हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर स्टार्ट ए न्यू चैप्टर, चैप्टर 12, द ब्रेड। अंकुर वॉज अ बॉय हु मिस्ड बिहेव विद ऑल चिल्ड्रेन इन द नेबरहुड, सो ही वॉज कॉल्ड द ब्रेड। ही वॉज नॉट येट 5 years, येट नो वन इन द स्ट्रीट लाइक टू टॉक टू हिम। ठीक है, अंकुर जो था पड़ोस के सभी बच्चों से बुरा बर्ताव करता था, उनके साथ मिसबिहेव करता था, इसलिए उसे ब्रेड कहा जाता था। अभी वह 5 साल का भी नहीं था और उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। हिज पेरेंट्स वर गुड नेचर्ड एंड सॉफ्ट, दे गेव हिम ऑल फैसिलिटीज ही आस्क्ड फॉर, ही वॉज नेवर रिफ्यूज्ड एनीथिंग, परहैप्स दिस वॉज वॉट मेड हिम अ ब्रेड। क्या हुआ था, उसकी जो पेरेंट्स थे, अंकुर को के जो पेरेंट्स थे वो बहुत ही अच्छे नेचर के थे, उनका नेचर बहुत ही सॉफ्ट था और उन्होंने जो भी कुछ, जो अंकुर था जो कुछ कहता था उसकी सारी बातें वो मानते थे, उसे सब कुछ ला कर देते थे। उनके पेरेंट्स की यही जो हैबिट्स थी जो उसकी सारी डिमांड्स पूरी करते थे, इसी वजह से उसको एक मिसबिहेव्ड बच्चा बना दिया था, वो ब्रेड बन गया था। नलिनी अंकुर्स मदर, नलिनी थी, नलिनी जो अंकुर की माँ थी, नोटिस दैट हर सन वॉज नॉट अ कोऑपरेटिव बॉय, ही डिड नॉट लाइक टू शेयर हिज टॉयज और एनीथिंग विद द अदर चिल्ड्रेन, ओइंग टू हिज हाई हैंडेड बिहेवियर नो चाइल्ड इन द स्ट्रीट लाइक टू प्ले विद हिम। ही आस्क्ड विद लिटिल चिल्ड्रेन इन द नेबर अबाउट अंकुर, एवरी चाइल्ड सेड दैट He tried to bosh them around. One child said, "He makes us cry. He does not let us play. He disturbs us play." नलिनी की माँ जो थी उसको पता था कि उसका जो बेटा है वो कोऑपरेटिव बॉय नहीं है, उसके पास जितने खिलौने थे वो किसी भी बच्चे के साथ शेयर नहीं करता था, किसी के साथ खेलता नहीं था, और इसकी माँ जो थी वो परेशान थी, कोई भी बच्चा जो है उसका फ्रेंड नहीं बनेगा। उसकी माँ नलिनी ने उसका ऐसा व्यवहार देखा, वह बहुत ही परेशान थी कि वह कि कोई भी उसका फ्रेंड नहीं बन पाएगा। ठीक है, और उन्होंने बच्चों से, और भी बच्चों से जो ग्राउंड में बच्चे खेलते थे उनसे बात भी की अपने आसपास के बच्चों से कि उसके साथ उसके फ्रेंड बनने के लिए, लेकिन सभी बच्चों ने कहा कि नहीं, ये मतलब हमें परेशान करता है, हमें खेलने में डिस्टर्ब करता है, तो हम इनकी फ्रेंड नहीं बनेंगे अंकुर के। नलिनी वॉज एंग्शियस इफ अंकुर कंटिन्यूड टू बिहेव लाइक दिस ही वुड नॉट मेक एनी फ्रेंड। ही रियलाइज दैट हिज पर्सनैलिटी वुड नॉट ब्लूजम विद दिस टाइप ऑफ बिहेवियर, शी ट्राइड टू मोल्ड हिम बट टू नो अवेल। अंकुर डिड नॉट अंडरस्टैंड थिंग्स एंड ही कंटिन्यूड टू बी अ ब्रेड। अंकुर की जो माँ थी वो बहुत ही परेशान थी, नलिनी जो परेशान थी बहुत, और उन्हें था पता था कि वो उसका जो अंकुर का बिहेवियर है वो चेंज नहीं होगा और वो कभी अपने दोस्त भी नहीं बना पाएगा इस तरीके के बिहेवियर से, क्योंकि वो सबको परेशान करता रहता था। इट वॉज नाउ द मंथ ऑफ अप्रैल एंड अंकुर एडमिटेड वॉज टू क्लास फर्स्ट। देयर वॉज नो डाउट दैट ही वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, ही कुड अंडरस्टैंड हिज लेसन इन वन नो टाइम, ही could memorize the lesson without any problem, but he continued with his bad behavior and this made him a unfavorable boy even there. No student liked to play with him, even talk to him, let alone sharing things with him. He had no friend until Bhushan joined his class. अंकुर का क्लास फर्स्ट में एडमिशन हो जाता है स्कूल में, वह और उसके बाद में अंकुर जो होता है बहुत ही इंटेलिजेंट बॉय होता है। ठीक है, बहुत ही इंटेलिजेंट रहता है, क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस करता है अंकुर, और लेकिन जो उसका बिहेवियर था वो उसी तरीके से रहता था, सभी बच्चों को परेशान करना इसी तरीके से रहता है, और वो अपनी सामान किसी के साथ शेयर नहीं करता, स्कूल में भी उसका कोई भी फ्रेंड नहीं था। भूषण एक बच्चा था जो क्लास में न्यू एडमिशन हुआ था, उसका नाम भूषण था, वो उसका फ्रेंड बना अंकुर का। भूषण वॉज अ वेरी शाई एंड डॉकल बॉय, भूषण जो था बहुत ही वीक बच्चा था, बहुत ही ना कम बोलने वाला बच्चा था। हिज फादर हैड बीन ट्रांसफर टू द सिटी रिसेंटली, सो ही हैड नो फ्रेंड्स हेयर। ठीक है, आगे क्लास नेक्स्ट टर्म पे कंटिन्यू करेंगे।